बना रही हूँ पालक पनीर, ये धबरी स्टाइल में। धबरी यानी कि कापा, एक उत्तराखंडी डिश है। तैयार हो गए हैं, तेल भी गर्म है ऑलमोस्ट। याद रहेगा तो मेरे को बोलने की बीमारी बहुत है। प्याज कैसे आ जाते मम्मा? बेटा सौंफ, जीरा, अजवाइन, दालचीनी, पकौड़े जिसमें नमक तो मैंने ऑलमोस्ट डाल दिया है, उसे डालेंगे हल्दी, मिर्च, इसमें मैंने हरी मिर्च भी डाली है काट के खूब सारी, तो एंड दैट्स इट। और इसमें अजवाइन भी डालने वाली हूँ, इसके ये सिर्फ प्याज प्याज के पकौड़े। और मैं ना आलू के भी बनाने वाली हूँ, गोभी के भी बनाने वाली हूँ। मैंने पानी भिगोने के लिए रख दिया तब काट कूट के। भिगोने के लिए क्या रखा है, मतलब धोने के लिए रखा था, तो पानी भर के रख दिया। जब बनाऊंगी तब अच्छे से वॉश कर लूँगी एक बार। और तो तैयार हो गए हैं, तेल भी गर्म है ऑलमोस्ट। ये गया पहला पकौड़ा, दूसरा, तीसरा, चटनी में ले लिए लाल वाली और हरी चटनी, ये घर में बनी हुई है। क्या चल रही है? और चाय। पहले गोभी के मजेदार प्याज, आलू, भाई इतने जबरदस्त ना, क्रिस्पी, क्रंची, गरम गरम, और चटनी तो एकदम। अभी हम जा रहे हैं थोड़ी सी शॉपिंग करने के लिए GIP, मतलब ₹5 का चिप्स लेने के लिए, क्योंकि गुन्नू के पास ऑलरेडी हाथ में भी है, पकवास नहीं है ना। और आज गुन्नू की मैंने ना चुटिया बनाई है, आगे देखो जैसे तैसे, बहुत मुश्किल है इसकी चुटिया बनाना, तो बाप रे बेगा बेगा के टेढ़ी मेढ़ी सी बनी है। मैं ठीक इसको लग रहा था ना, झूला झूलने जा रहे हैं पार्क में, नीचे आते ही ऐसे आंखें हो गई उसकी कि गाड़ी में क्यों बैठ रहे, जिया 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 कर रही थी कि झूला झूलने के लिए जा रहे, रोने वाली थी पर रो ही नहीं। चलो अच्छा नहीं तो ये रोती, अगर कहीं नहीं जाना से अब पार्क में पहले जाना होता है, तभी तो नहीं रोई, आके बैठ गई वो चुपचाप। अभी मुँह ऐसा कर रहा था, कहाँ ले जा रहे हैं मेरे को ये, उसको पता नहीं इसकी चुटिया बनी है। और कहना कह रही है, और कहने लगाओ यार, डांस करते कुन्नी। पहुंच गए दिल्ली, कैसे आ जाते को मम्मा? हाँ बेटा, अच्छा वो हाथ में पहुंच रहा, खोल देते नहीं तो कहाँ जा रहे हम। क्यों पापा आ रहे? चलो चलो स्टूडियो पहुंच गए एज यूजुअल। भाई तुम्हारी पैंट की तरह शॉर्ट्स भी है, देखो शॉर्ट्स भी तो पहनते थे। चलो ये भी ले लो शॉर्ट्स, ये कलर नहीं ग्रीन अच्छी था, ज्यादा बड़ा तो नहीं होगा, नहीं बड़ा खाएं बुन्नी। आहा बुन्नू कितना प्यारा है, दे पहनेगी ना तू, ट्रो
ट्राउजर जो गुन्नू बाबा ढूंढ रहे थे थोड़े मोटे में, जैसे मैं भी उनके पास ले गए थे पहले। मैं वेट कर रही, आएंगे वो ट्राई करके तो बताऊंगी। ये मिल गए, लेडीज सेक्शन में। बढ़िया आया है क्या? पेट कम नहीं जाता, लॉन्ग ही पहनना पड़ेगा। इधर चलो, अरे दूसरी जगह कहाँ गए थे उस दिन? डांस हो रहा है भाई साहब, इनसे ज्यादा क्विक बंदा मैंने कोई देखा। शॉपिंग कर ले जो इतना, मतलब जाके आके घुट घुट घुट, दो मिनट का काम है। दो मिनट तो मुझे एक टॉप देखने में लग जाते हैं। तीन चार में लोअर लिए, फिर टी शर्ट्स ली, फिर शर्ट्स ली। तूने क्या लिया बोलो? तूने क्या लिया? 10 मिनट तो लिए तूने भी। अरे हमारी ऐसी नहीं होती भाई, साइज भी तुम्हें पता होता है, चेंज करने क्या जाना होता है। देखो देख दे तुमने, कौन है बंदी? निकल गए हम बस, जो थोड़ी सी तो की वैसे तुमने की तो थोड़ी थी, तो मैं नहीं करूंगी ज्यादा, कैसे होगी। मैं भी तो थोड़ी शॉपिंग करना चाहता हूँ, निकल गए लेके। और मुझे ना टॉप चाहिए था लॉन्ग में थोड़ा सा, जैसे मेरे लॉन्ग चल रहा था कि जैसा चाहिए मुझे, वैसा ना मिला नहीं। शॉर्ट्स थे सारे के सारे, शॉर्ट टॉप थे, क्रॉप टॉप थे, तो मेरे को वो नहीं चाहिए थे, मैंने नहीं लिए। और मुझे ना नहीं लगा कि जो नीड है नहीं, जब वो फिर आ जाएंगे कितनी दूर है। No. ओ भाई एक्टिंग कर रहे अपने को क्यूट दिखाने के। तो ना अभी क्या हुआ, जैसे कि ना रोड पे फूल वगैरह बेचते थे ऐसे, रोडों पे से जा जाके, रोडों पे के मॉल के बाहर मिल रहा था। हाँ मतलब वही तो रोड तो थी, तो इसके ऊपर तो भी कैश पड़ा, मैं तो लाया नहीं। मैंने कहा यार है 500 का है, तो कहने लगे कि खुले नहीं है 20-30 रुपए तेरे पास, तेरे को रोज देता हूँ आज मैं। तो वो कह रहा बाहर से, भैया सस्ता लगा दूंगा, 80 रुपए का लगा दूंगा एक रोज। कह रहे ऐसे बुक करके गाड़ी आके बढ़ा के निकल लिया वहां से, नहीं लिया रोज वगैरह कुछ भी। कहते 20-30 रुपए, वो भी सस्ता लगाने के बाद। ये कहते स्वर्ग से तोड़ के लाएंगे भाई। है गुन्नी हंसते, तू भी रोज बेच रहा है, वीट बेच रहा है। पता नहीं आंसू आ गए हंसते हंसते, बताओ। कर भी कैसे रहा था। सस्ता है भैया आपके लिए, 80 रुपए दे देना भैया, 80 रुपए दे देना बस बस। भाई साहब मैं अपने 3 गर्लफ्रेंडों को दे दूंगा इतने में, तो बोल रहे थे। हम घर पहुंच गए हैं, मैं बना रही हूँ पालक पनीर, ये धबरी स्टाइल में। धबरी यानी कि कापा, एक उत्तराखंडी डिश है जो पालक की बनती है, बस मैं इसमें पनीर ऐड कर रही हूँ तो ये पालक पनीर बन जाएगा। मैंने डाल दिए पनीर, मैंने रेसिपी नहीं दी है क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में मैंने बनाया है। बिल्कुल सिंपल, कम मसालों वाला। अभी तो इसमें बहुत कम मसाले क्योंकि गुन्नू के लिए निकलेगा, उसके बाद इसमें डालेंगे थोड़े नमक मिर्च डालेंगे, कोई एक्स्ट्रा मसाला ज़्यादा मैं डाल नहीं रही हूँ, हल्का सा मैंने गरम मसाला डाल रखा है ऑलरेडी। तो ये ना पालक पनीर से थोड़ा अलग तरीके से बनता है, क्यों? क्योंकि इसमें डाला जाता है बेसन, जैसे कि कड़ी बनाने के लिए डाला जाता है ना वैसे ही डाला जाता है, और इसमें पनीर नहीं डलता है। और इसे उत्तराखंड में कहते हैं धबड़ी कई जगह, और कापा भी कहते हैं, पालक का कापा, तो अलग अलग दो नाम से बुलाया जाता है, तीसरा नाम आई डोंट थिंक कि है इसका, दो ही मुझे पता है। तो मैंने इसे पनीर डाल के एक तो इसे पालक पनीर बना दिया, ऊपर से इसमें बेसन गया है क्योंकि मैं धबड़ी बना रही थी, धबड़ी स्टाइल पालक पनीर, क्योंकि धबड़ी यानी कि कापा गुन्नू के पापा को अच्छी लगती है, मेरे को भी बहुत पसंद है, और गुन्नू भी खाती है और बाकी सब भी खाते हैं, तो उस स्टाइल में बनाएं क्योंकि पालक पनीर से ज़्यादा हमें धबड़ी पसंद आती है।
और एक चीज और डिफरेंसेस में कि ना पालक पनीर ना बिल्कुल मतलब अच्छे से मसाले वगैरह डाल के एकदम ये ना शाही फूड हो गया कुछ मतलब, या फिर फेस्टिवल वगैरह मिडिल क्लास में तब भी बनता है, फिर मतलब पालक पनीर, शाही पनीर, ये मटर पनीर, ये थोड़ी सी हाई फाई डिश में आती है। और जो दबड़ी होती है वो बिल्कुल है ना गाँव का खाना, कम्फर्ट फूड, एकदम साधारण खाना, कम मसालों में नॉर्मल सीधे तरीके से, कुछ एक्स्ट्रा वगैरह नहीं मसाले डालने पड़ते, तो इसलिए ये भी डिफरेंस है। बाकी खाने में ना ऑलमोस्ट सेम ही होता है, बाकी बनाने के ऊपर है कैसा आपने बनाया है, कोई कैसा बनाता है। तो गैस अभी पालक पनीर बन चुका है, अब मैं इसके साथ भात बनाने वाली हूँ, मैं, मेरे देवर, मेरे हस्बैंड जो है गुन्नू, हम चारों खाएंगे चावल, जीरा राइस में बनाने वाली हूँ। और गुन्नू की दादी यानी कि मेरी मदर इन लॉ और फादर इन लॉ खाने वाले हैं रोटी, दोनों रोटी खाते हैं। मेरे फादर इन लॉ तो कब भी पता नहीं कितने सालों से उन्होंने चावल नहीं खाए होंगे, सालों से, मैंने तो मतलब 2 साल तो मुझे हो गए, वो कह रहे थे पता नहीं कितने साल हो गए मेरे को छोड़े हुए, वो नहीं खाते रोटी वाले लोग, तो उनके लिए रोटी बनेगी। सो गुड मॉर्निंग गाइस, एंड आज है नेक्स्ट डे, और मैंने एक्चुअली इसके ना शूट वगैरह नहीं किया, और अभी मैं जिम के लिए रेडी हो गई हूँ। अपनी मॉर्निंग ड्रिंक पी रही थी ये रही, एंड आज मैंने नींबू नहीं डाला, नींबू था नहीं, आज ज़्यादा गर्म नहीं कर रहा क्योंकि मुझे लेट हो गई थोड़ी सी, तो मतलब इतना कर रखा गर्म है, पर यू नो फूक मार मार के जैसे चाय पीते वैसा गर्म नहीं हो रहा था। मैं थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हो गई थी तो व्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर रहा था कल, तो सोचा आज बता दूँ, ऐसा सीन हो गया था मतलब थोड़ा, और अभी जिम जा रही जस्ट, और देखूंगी अगर मुझे याद रहेगा तो, मेरे को बोलने की बीमारी बहुत है, तो एक दो शॉर्ट डाल दूंगी मैं जिम की, क्योंकि लोग कहते हैं जिम का भी ब्लॉग बनाओ, और नहीं रहा तो यहीं मैं ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। और ये पानी फिर से बता दूँ जिन लोगों को नहीं पता, इसमें सौंफ, जीरा, अजवाइन, दालचीनी, मेथी दाना, ये चीज़ें हैं सारी, उनको रात को भिगो के रख देते हैं, सुबह गर्म करके पीते हैं अच्छे से उबाल के। तो अभी मैं चलती हूँ जिम, और लेट हो रही है थोड़ा सा, गुन्नू उठ जाएगी तो परेशान करती है ज़्यादा पापा को अपने। तो आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अब मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।